हाय फ्रेंड्स, मैं स्वीति। आज मैं आपको इक्सोरा प्लांट के बारे में बताऊंगी। ये जो प्लांट है, इसकी तो कई वैरायटीज़ हैं, पर आप जो देख रहे हैं ये चाइनीज़ इक्सोरा प्लांट है। इसके लीव्स और फ्लावर्स देखिए कितने छोटे छोटे हैं, और कलियाँ भी देखिए कितनी छोटी छोटी हैं इसकी, और नई नई कलियाँ निकल रही हैं साइड्स में भी इसके, और भी आपको मैं दिखा रही हूँ। नीचे से लेकर ऊपर तक इसमें फ्लावर्स खिले हुए हैं, और अंदर में भी इसकी कई कलियाँ हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो ये जो प्लांट है इसको मैं ज़्यादा बड़ा होने नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरे को इसको छोटा रखना बहुत ही पसंद है। इसको मैं बीच बीच में प्रूनिंग करती रहती हूँ। ये जो फ्लावर्स हैं ये 1 हफ्ते से भी अधिक इसमें रुकते हैं ये प्लांट में, तो जब ये सूख जाते हैं तो इसको मैं कट कर देती हूँ। तो जो जो सूखे हैं उसको मैं अभी कट कर दूँगी। देखिए यहाँ से इसको मैं कट कर दूँगी, तो फिर उसकी साइड से नए नए ब्रांचेस निकलेंगी और उसमें कलियाँ आएंगी। तो देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पर अभी 3-4 ब्रांचेस निकलेंगी और उसमें फिर कलियाँ आएंगी। और ये भी सूख गया है, देखिए ये भी 1 हफ्ता से भी अधिक हो गया है, तो इसको भी मैं चलिए कट कर दूँगी यहाँ से। तो फिर उसकी और भी नई नई ब्रांचेस यहाँ से निकलेंगी और फिर उसमें भी कलियाँ आएंगी। तो ये जो प्लांट है इसको लगाना बहुत ही आसान है। इसकी जो कटिंग है आप उसको रेनी सीजन या विंटर सीजन में ही लगाइए, तो ये आसानी से ग्रो करता है। आप कहीं से भी साइड से इसकी कटिंग एक ले लीजिए और लगा दीजिए, तो ये आसानी से ग्रो करने लगेगा। और इसकी सॉइल की बात बोलूँ तो आप इसको बीच बीच में गुड़ाई ज़रूर कीजिए, तब इसकी जो सॉइल है वो सॉफ्ट होती है। इस तरीके से देखिए 2 इंच तक आप इसकी गुड़ाई कीजिए साइड साइड से, तो क्या होता है इसकी जो सॉइल है वो सॉफ्ट होगी और ये जो प्लांट है अच्छे से ग्रो करेगा। तो 15 दिन में आप एक बार इसकी गुड़ाई कीजिए, महीने में 2 बार ज़रूर इसकी गुड़ाई कीजिए 15 15 दिन में। और इसकी जो मिट्टी है वो भुरभुरी होनी चाहिए, और इसकी देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ इसकी मिट्टी कितनी भुरभुरी है इस तरीके से। और ये जो प्लांट है इसको सनलाइट बहुत पसंद है, आप इसको 4 5 घंटे का धूप ज़रूर लगने दीजिए, ताकि इसमें गुच्छों में फूल आएंगे। और शेडी एरिया में आप रखेंगे तो इसमें गुच्छों में फूल नहीं आएंगे। और वाटरिंग की बात बोलूँ तो आप इसमें ओवर वाटरिंग मत कीजिए, ओवर वाटरिंग करने से इसके जो लीव्स हैं वो क्या होते हैं ब्राउन होने लगेंगे। और फर्टिलाइज़र की बात बोलूँ तो आप इसमें महीने में 2 बार काऊ डंग डालिए 15 15 दिन में। तो देखिए इसके साइड से भी कितनी सारी कलियाँ आई हुई है, मैं इसको कट कर दी थी तो, और आप भी इसी तरीके से कट करते रहिएगा ताकि इसमें बंच में फ्लावर आएंगे। और कट नहीं करने से क्या होता है ये लंबा बड़ा होते रहता है और इसके लीफ जो है वो झड़ जाते हैं और इसमें कलियां नहीं आती हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपने इक्जोरा प्लांट की इसी तरह केयर कीजिए। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय।